आए थे। फिर उसके बाद 29 मार्च को सर 1 केस आया था, 30 मार्च को सर 3 केसेस आए थे, 31 को सर 0 केसेस आए थे। फर्स्ट अप्रैल बेसिक द ट्रेंड इज दैट फ्रॉम 29 मार्च ऑनवर्ड इट इज गोइंग अप। सर ट्रेंड में से अगर मैं बताना चाहूँगा सर, हमारे पास मतलब जो केसेस एकदम से वो कि इंसिडेंस सर, एक तो जो केरला से एक महिला आई थी सर एंड शी अटेंडेड फ्यूनरल केयर, और हम लोग शुरू ही कर रहे थे सर आगे, तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य स्तर से जो वरिष्ठ हम लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं सबको कुछ कुछ जिलों का प्रभार दिया है, और जैसा कि हम सब इस चीज़ से अब अवगत हैं कि शुरू में लग रहा था कि अब कोविड आके चला गया, लेकिन ये दूसरा दौर आया है कोविड का। शुरुआत में तो बहुत ही कम से शुरू हुआ था, और मुरैना तो बल्कि जब मार्च के आखिरी हफ्ते में बाकी जगह आना शुरू हुआ तो मुरैना तो करीब करीब 1 हफ्ते तक 0101 करके हुआ, फिर कुछ केसेस आने शुरू हुए। अभी सर आप लोग के आने के पहले हम लोग अधिकारियों की समीक्षा कर रहे थे, तो पिछले 4 दिन में 1, 3, 6 और आज 10 मल्टीपल मिला के मल्टीप्लाई हो रहा है सर। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 6 घंटे तक हम लोग की बैठक ली, जिलों की बैठक ली, और ये निकल के आ रहा है सर कि ये वाली जो दौर है कोविड का वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि पुराने की गति से ऑलमोस्ट डबल की उसमें, तो शुरुआत में तो ये लग रहा था कि संख्या ज़रूर बढ़ रही है लेकिन शायद केसेस सीरियस होकर जो डेथ्स की स्थिति नहीं बन रही सर, बट धीरे धीरे डेथ के केसेस भी बढ़ रहे हैं। इत्तेफाक से अभी मुरैना में आपके आने के पहले यही बात कर रहे थे कि हमारी जो शासकीय अस्पताल हैं उसमें खासतौर से ऑक्सीजन के बेड वगैरह ऑक्सीजन के और कितने बढ़ा सकते हैं, तो अलग साहब ने बताया कि 200 के आसपास और बढ़ सकते हैं। फिर हमने बोला प्राइवेट वालों से ही बात कर लें, कमिश्नर साहब ने आशीष ने बड़ी अच्छी चीज़ सर ग्वालियर में शुरू करी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में रह के होम क्वारंटाइन कराना चाहते हैं लेकिन उस दौरान उनके घर के साफ सफाई इस तरीके की चीज़ें नहीं कर पाते, उनके पास हैंड्स नहीं रहते, फिर ऐसे घर में लोग नौकर वगैरह जाना भी बंद कर देते हैं कि भाई उनके घर में नहीं जाना है इन्फेक्शन लग जाएगा। अगर कोई एजेंसी को हम निर्धारित कर दें कि कुछ राशि लेके वहाँ पर बाकायदा पीपीई किट वगैरह लगा के साफ सफाई सब कुछ कर ले, प्लस ये बहुत ज़रूरी है सर, अभी रुस्तम सिंह सर वही बता रहे थे, मुख्यमंत्री जी का भी यही कहना है सर कि हम सब जानते हैं कि इस बीमारी एक बार हो जाए तो फिर उसके बाद तो बड़ी मुश्किल होती है इससे निपटने में, इसलिए इसको दूर रखने का सबसे सस्ता सुंदर और जो एकदम श्योर शॉट तरीका है कि हम मास्क लगा के चलें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। एक और सर जो चिंता जिसमें आप सभी अनुभवी हैं सर, आप लोग का मार्गदर्शन चाह रहे थे कि आगे आने वाले समय में जो त्यौहार तो होली के बाद मुख्य त्यौहार निकल गए लेकिन आगे भी त्यौहार नौ दुर्गे के आएंगे सर, उसमें मेले एक्चुअली मेला यहाँ क्या है जी सर,
नवदुर्गे के आसपास में गांव 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 में मेले होते हैं, कुश्तियों के आयोजन होते हैं, दंगल दंगल होते हैं, उसमें हजारों हजार की भीड़ होती है, हजारों हजार एक एक का मैं कद से आती शुरू हो गई उसको जात बोलते हैं, 8-9 दिन जात लगे, अब जो पूरी जात नहीं वो चलती रहेगी, 15 अप्रैल पूरा चलेगी, 15 मई तक चले, और दंगल में हर दंगल में 2-5 हजार आदमी से चुनी और ऐसे सबके बैठने और लड़ते भी है। तो सर उसका कैसे? नहीं नहीं वो यू हैव टू डिसाइड, बिकॉज यू नो वंस यू हैव डिसाइडेड दैट सच क्राउड विल नॉट बी परमिटेड मींस नॉट बी आपके एरिया में करेला दोनों ने क्या देखने पाया अधिकारियों की समीक्षा में क्या पाया कि देखिए जो हमने अधिकारियों की समीक्षा करी वो कुल मिला के उसमें ये निकल के आया कि अभी मुरैना की स्थिति अगर राज्य के अन्य जिलों से तुलना करें तो अभी फिलहाल नियंत्रण में नजर आती है, लेकिन अगर हम ये देखें कि आज से एक हफ्ते पहले या तो जीरो या एक केस होता था, 4 दिन पहले जीरो था, फिर एक हुआ, फिर 3 हुआ, आज फिर 6 हुआ, आज करीब 10 हैं, तो निश्चित तौर पर जो कोरोना के केसेस हैं उसमें वृद्धि हो रही है, हालांकि धीरे वृद्धि हो रही है, और अभी भी अगर हम राज्य स्तर पर देखें तो 52 जिलों में शायद मुरैना कम केसेस के लिहाज से आखिर के 10 जिलों में होंगे, लेकिन उस लिहाज से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अभी से पूरी सावधानी बरतें, कड़ाई बरतें, और ख़ासतौर से जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, मुझे ये आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जितने माननीय जनप्रतिनिधि, जितने माननीय गणमान्य हमारे सदस्य गण आए, सबने इस चीज को एक मत से कहा कि पिछली बार जब कोरोना का अपने एकदम सबसे बुरी स्थिति में था तो मुरैना सिर्फ इसीलिए बचा है कि यहाँ पर अच्छी तरीके से कड़ाई हुई। तो ये लोगों के सुझाव आए कि अभी शादी का समय आने वाला है और यहाँ पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में दंगलों का आयोजन भी काफी प्रमुखता से किया जाता है, और भी बहुत सारे जो त्योहार या सामाजिक कार्यक्रम आने वाले हैं उन सभी में संख्या निर्धारित की जाए, कड़ाई की जाए, मास्क के उपयोग के ऊपर कड़ाई की जाए, लोगों को समझाइश दी जाए, अगर समझाइश से नहीं मानते तो कड़ी कार्रवाई भी की जाए। तो कुल मिला के, और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अधिकारियों की हमारी बैठक हुई उसमें हमने ये तय किया कि भले ही हमारे 10 केस हैं, लेकिन भविष्य में अगर केसेस की संख्या कितनी भी बढ़ जाए और जब सबसे बुरी स्थिति में जितने केस से उससे भी ज़्यादा हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो हमारे बेड्स जो हैं अभी लगभग 150 से ज़्यादा बेड हमारे ऑलरेडी हैं, सरकारी अस्पताल में 200 बेड और हमारे तैयार होंगे, हमारे जो 11 नर्सिंग होम हैं उसके भी बेड्स हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के हमारी तैयारी सबसे खराब स्थिति से भी निपटने की होगी। इसके साथ साथ ये भी तय हुआ, क्योंकि हमारा मुरैना आगरा बॉम्बे रोड की मेन रोड पे पड़ता है और यहाँ पर बॉम्बे से लेके आगरा तक, और जैसा कि आप और हम सभी अवगत है कि इस समय महाराष्ट्र में बहुत बुरा हाल है, तो ये भी चर्चा हुई कि महाराष्ट्र से आने वाले जो ट्रक्स हैं उसमें भी, चूंकि काफ़ी सारे अक्सर होता है कि ट्रक ड्राइवर्स ढाबों में रुक जाते हैं, तो उस समय भी उनका थर्मल स्कैनिंग हो। ये भी बात आई कि जो हमारे बॉर्डर के जो एरियाज हैं, भले वो हमारा राजस्थान बॉर्डर हो या हमारे राज्य के अंदर के जिलों का बॉर्डर हो, वहाँ बड़ी कड़ाई से चेकिंग हो, जिससे भी किसी भी स्थिति में कहीं भी लापरवाही की स्थिति निर्मित ना हो और पहले की ही तरह हमारा मुरैना सुरक्षित रहे। और इसमें माननीय जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि वो भी लोगों में जागरूकता फैलाएं, हमारा जो शासकीय अमला है पटवारी से लेकर कोटवार तक और बाकी के लोग भी फील्ड में जाके लोगों में जागरूकता फैलाएं। और ये भी बात हुई कि एक तरफ तो हम कोरोना से कंट्रोल की बात करें, दूसरी तरफ टीकाकरण के अभियान को भी गति दें, जिससे कि, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि टीका जितना तेज गति से करेंगे निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में कोरोना से निपटने में वो भी सहायक।
दूर हट जाए यार तुम इनके क्यों मिलना चाहो तुम अंधेर करते हो ठीक है और डॉक्टर नारायण